जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है आवाज। ओके अच्छा, ये आपको कीवर्ड रिसर्च की फाइल नज़र आ रही है ना? ये कंफर्म कर दें स्टूडेंट्स। यस मैम, आ रही है। हाँ हमने जो कीवर्ड रिसर्च क्रिएट करना है, कीवर्ड रिसर्च लाइक ये फाइल तैयार करनी है, क्योंकि ये फाइल वो है जिसमें हमने तमाम कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम जंगल स्काउट, फ्रॉम हीलियम 10, हीलियम 10 के सेरिब्रो से, एंड मैगनेट के थ्रू, एंड AMG सजेशन एक्सपेंडर। ये तमाम कीवर्ड्स कैसे हमने ये फाइल तैयार किया है, ये हम क्रिएट करना देखेंगे, क्योंकि ये फाइल क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि हमने अपने कंटेंट राइटिंग में यूज़ करने हैं। ठीक है, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, इन तमाम चीज़ों में हमने ये कीवर्ड्स यूटिलाइज़ करने हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्रिएट किस तरह से करना है, इस फाइल को, वो हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ कि हमने इस फाइल में लाइक हीलियम 10 पे, सबसे पहले हीलियम 10 में देख लेते हैं, हीलियम 10 में हमने किस तरह से कीवर्ड सर्चिंग करनी है। लेट्स सपोज के हीलियम 10 में आपने क्या करना है, सबसे पहले सेरिब्रो के थ्रू देखते हैं कीवर्ड को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। आपने टूल में जाना है, ठीक है, टूल में ये आपको नज़र आ रहा है लाइक सेरिब्रो, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, लाइक amazon.com में हम करने जा रहे हैं। आपने कोई सा एसन जो है ना, वो आपने उठा लेना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। आपको आइडिया मैंने दिया हुआ है कि एसन या तो आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, या फिर आपको स्टार्ट में इस लिंक में आपको नज़र आ जाता है। लेकिन मैं तो रिकमेंड यही करूँगी कि मिस्टेक नहीं कोई भी होती अगर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से कॉपी किया और आपने जाना है सेरिब्रो में, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपने गेट कीवर्ड पे क्लिक किया। ठीक है, अभी आपने गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है कि ये आपको लाइक ये जो कीवर्ड्स नज़र आएंगे ना नीचे, ये देखें कीवर्ड 2610, लाइक कितने कीवर्ड्स नज़र आए हैं। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है, फ़िल्टर लगा लेना है, सर्च वॉल्यूम आप राइट कर लें मिनिमम 700, ठीक है, जो हमें कीवर्ड चाहिए उनके मिनिमम 700 होना चाहिए। रैंक आप 1 to 25 कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ मैच टाइप जो है ना वो ऑर्गेनिक कर लें, क्या ऑर्गेनिक वो कीवर्ड जो कि स्पॉन्सर्ड वाले कीवर्ड्स हमें नज़र ना आए, हमें बाकी कीवर्ड्स जो है ना, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कीजिएगा और ये हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज 39 कीवर्ड्स आए। अब आपने यहाँ से भी फाइनल करना है वो किस तरह, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड होने चाहिए। की होल्डर और की हैंगर दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको नहीं डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रहा, आप इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करें, इसको देखें यहाँ पे कि लेट्स सपोज ये आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं। तो की हैंगर मैंने ओपन किया था, की हैंगर, तो इट्स मीन की हैंगर आपकी प्रोडक्ट से सेम रेलिवेंट प्रोडक्ट शो हुई है। मुझे कन्फ्यूजन थी कि मे बी की हैंगर डिफरेंट वन है, बट मैंने जब इसको ओपन करके देखा तो ये की हैंगर मेरी प्रोडक्ट से सेम एग्जैक्ट रेलिवेंट कीवर्ड है। सो ये भी मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड है, मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं करूँगी, मैं अपनी लिस्टिंग में इसको ऐड करूँगी। की हैंगर फॉर वॉल, की होल्डर सेम लाइक डैट। अच्छा, जो आपको प्रोडक्ट लगेगी ना यहाँ पे होल्डर, अब होल्डर को देख लेते हैं कि होल्डर प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं, और ये आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है,
ठीक है, ये होल्डर डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट शो कर रहा है, सो ये आपके प्रोडक्ट नहीं है, कीवर्ड नहीं है, इसको आपने होल्डर को डिलीट कर देना यहाँ से। सेम लाइक दैट आपने यहाँ पे नीचे देखना है की रैक, ये भी की हुक देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे टाइम टेकिंग है ये कीवर्ड रिसर्चिंग, बट ये है कि एटलीस्ट कंफर्मेशन मिल जाता है। ये देखिए सेम प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड है। सो इस तरह आपको फ़ायदा ये होता है कि आप, और ये ना प्रोडक्ट हंटिंग का भी बड़ा अच्छा मेथड है। ये देखिए समटाइम ऐसा होता है मे बी की होल्डर फॉर वॉल पे स्टैट्स मैच ना करें, की हैंगर पे कर जाएं, मे बी की हैंगर पे ना करें, रेलिवेंट कीवर्ड की चेन होल्डर पे कर जाएं। ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है, आप इसको ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। उसके रेलिवेंट कीवर्ड पे समटाइम्स स्टैट्स मैच हो रहे होते हैं, मेन कीवर्ड पे नहीं हो रहे होते, तो ये आपने ज़रूर एक्सप्लोर करना है इस मेथड को प्रोडक्ट हंटिंग में भी। अब नीचे हम देख लेते हैं कि जो नहीं, ये देखने से पता चल रहा है ये हमारी प्रोडक्ट है ही नहीं है। सो सेम लाइक दैट आपने क्या करना है, ये भी एडहेसिव भी नहीं है, मॉडर्न। अच्छा, आपने ना रेलिवेंट रहने देने हैं, इररेलीवेंट आपने निकाल देने हैं। लेट्स सपोज के वैसे कीज़ अकेला हमारा कीवर्ड तो नहीं ना हो सकता। इसी तरह आपने ना डिलीट करते जाना है, और आपके पास जो है ना लिमिटेड जो है ना कीवर्ड्स रह जाने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, ये 39 कीवर्ड्स थे, सो आपने इनको जब डेल करना है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास फाइल जो है ना वो लिमिटेड आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, तो डाउनलोड एज अ CVS फाइल आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अब ये देखें डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुकी है, इसको हम ओपन कर लेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ मैंने सिर्फ एक टाइप की जो है फाइल क्रिएट की है, आपने ये फाइल 3 से 4 किस्म की फाइल्स आपने रेडी करनी है। अब एक ये सिर्फ सेरिब्रो के थ्रू हमने फाइल क्रिएट की है ना, अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है जी। आपने टूल्स पे अगेन आ जाना है, सेरिब्रो के थ्रू हमने देख लिया, मैग्नेट में आप क्या करेंगे, आप मैग्नेट के थ्रू करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका कीवर्ड है की होल्डर, या फिर अभी की होल्डर, ये देखें की होल्डर आ गया ना, amazon.com ही है, ओके, गेट कीवर्ड पे क्लिक किया, गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास उसी तरह कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि आपने कीवर्ड्स कैसे कैसे फाइल्स तैयार करनी है, ये कीवर्ड्स आप अपनी तरफ से बैकएंड से देखें, रिकॉर्डिंग शो हो रही है आपको जी? मैम हो रही है, यस मैम हो रही है, यस मैम। अच्छा, ये देखें मैग्नेट के थ्रू मैंने कीवर्ड राइट किया, अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस सेम चूज़ की होल्डर आ गया। नीचे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये देखें कितने ज़्यादा 9000 समथिंग आ गया। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कि मिनिमम 700, ठीक है, और 700। इसके अलावा मैच टाइप में आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक चाहिए, और आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास सिर्फ 152 कीवर्ड्स रह गए हैं। अब आपने इनमें से भी सेम पिछले जो प्रीवियस मैंने बताया ना, उस तरह आपने एक्सप्लोर करना है। ये देखिए ये पेज यहाँ पे शो हो गए कीवर्ड्स के। जब आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे ना कि कौन से कीवर्ड आपके रेलिवेंट कीवर्ड है, ये देखिए स्मार्ट की चेन, चले ये भी स्मार्ट की मे बी ये डिफरेंट वन हो, ठीक है। जो आपको क्लैरिटी ना मिले, एरो पे क्लिक करके आपने देख लेना रेलिवेंट है कि नहीं, आपने इसी तरह उनको डिलीट करते जाना, ठीक है। और आपने एक फाइल तैयार कर लेनी है इसकी भी, ठीक है, सेम लाइक दैट जैसे मैंने उसको। मैम जी जी, ये इनका सर्च वॉल्यूम मैटर नहीं करता कि अगर कीवर्ड्स है रेलेवेंट भी है लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो मैटर नहीं करता, बस हमने कीवर्ड्स गेट करने हैं, गेट कीवर्ड करने हैं। और मैंने ये जो मिनिमम लगाया ना 700 होना चाहिए सर्च वॉल्यूम, तो मेरे पास आए ही वो हैं जिनका मिनिमम 700 है, मैंने ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया है। बस आपने यहाँ पे ये मेक श्योर करना है इररेलीवेंट कीवर्ड ना हो, रेलिवेंट जितने भी होंगे उनको आपने उठा लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इस फाइल को भी आपने क्या करना है, तो मैम 700 सर्च वॉल्यूम बहुत कम नहीं है?
700 नो डाउट बहुत कम है, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें अच्छे अच्छे सर्च वॉल्यूम भी तो आएंगे ना, लेकिन मिनिमम आपने कोशिश करनी है, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं कीवर्ड्स। सो इसलिए हमने फिर रखा होता है कि मिनिमम 700 वाला भी अगर कीवर्ड होगा ना, वो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा, तो हम उसको भी उठा लेंगे, उसको भी अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेंगे। लेकिन मैम अगर हम जितने ज्यादा अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं के लिए। अच्छे कीवर्ड यूज़ करने हैं, वो मैंने कब कहा है कि वो आपने छोड़ देने हैं, लेकिन आपने ज़्यादा कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकेंगे ना। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि ये जब आप समराइज़ इनको करते हैं ना, तो ये जो शो हो रहे हैं 139, 152, ये आप करेंगे इसको, इररेलीवेंट को निकालेंगे, तो मे भी ये आपके पास सिर्फ 30 रह जाएं कीवर्ड्स। तो 30 ये हो गए, और 8 या 9 दूसरी वाले से आए हैं, ये करते करते हमारे पास मैक्सिमम 50-60 कीवर्ड्स आने हैं, जो कि हमने अपनी लिस्टिंग में ऐड करने हैं। तो इसलिए फिर ये है कि मिनिमम 700 वाला भी होगा ना, तो वो भी आपने ऐड कर लेने हैं। सेम आपने ये भी फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, ऊपर जाके आपने ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, CVS यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, दो फाइल्स मैं क्रिएट करवाना आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंड आपने एक फ़ाइल और तैयार करनी है, वो कौन सी, वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ। आपने लेट्स सपोज कि ये है ना कीवर्ड की होल्डर, एक्सक्यूज मी मैम, इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना है या CSV पर करना है? नहीं ये देखिए CV, एक सेकेंड, CSV CSV में CSV में, एक्सेल में नहीं आप करेंगे, CSV में करेंगे ना, तो वो आपके पास एक्सेल की ही, इन एक्चुअल एक्सेल ही है, एक्सेल में ही वो आ जानी है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, कि ये देखें ये AMG सुजेशन एक्सपेंडर है, मैंने आपको ये कीवर्ड के आइडियाज़ बताते आइडिया देते हुए मैंने बताया था ना, ये वाला टूल है, ये आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको आपके ये सर्च में जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, वो बता देता है। आपने इनको भी जो है ना वो डाउनलोड करके एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। डाउनलोड तो ये नहीं होंगे, बिकॉज़ ये फ्री टूल है, अगर पेड वन होता तो ये डाउनलोड हो जाते। आपने क्या करना है कि इनको एक एक को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपने इसकी भी एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये तीन किस्म की फाइल्स जो है मैंने आपको रेडी करना बता दी हैं। इसी तरह अब हम देख लेते हैं अगेन, एक होता है जंगल स्काउट की वेब के थ्रू, हमने वेब के थ्रू जो है ना वो देखना है। ठीक है, अभी ये ओपन हो जाए, देन मैं आपको यहाँ से भी गाइड कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये चार किस्म की फाइल्स को एक ही फाइल में किस तरह मर्ज करके हमने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। जी मैम, काइंडली इसका मेथड भी बता दीजिएगा कि किस तरह हम फाइल को मर्ज करेंगे। ओके ओके, अच्छा ये अभी ना ब्लॉक हो गई आई थिंक सो के, अच्छा ये टूल्स के जो है ना ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अप एंड डाउन, लेकिन ये है कि चलें नेक्स्ट देख लेंगे, अगर ये एक्टिव हुई तो हम इसके थ्रू आपको क्रिएट करना दिखा देंगे। अदर देन डैट सेम प्रोसीजर है, जब आप इसके एक्सटेंशन में आएंगे ना, तो सेम लाइक डैट ये टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह वहाँ पे टूल्स आपको नज़र आएंगे। और कीवर्ड्स में कीवर्ड स्काउट एक सब टूल होगा, उस पर क्लिक करके आपने थोड़ा सा क्राइटेरिया, अपना कीवर्ड, जस्ट कीवर्ड और मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे तो हमने फिल्टर लगाए हैं ना नीचे, वहाँ पे फिल्टर नहीं लगाने, कीवर्ड एंटर करना है, मार्केट प्लेस चूज करनी है, आपके पास नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनको आपने जो है ना डाउनलोड कर लेनी है फाइल। सेम प्रोसीजर है जिस तरह ही ये सेरिब्रो में और मैगनेट में हमने किया है। मैगनेट और सेरिब्रो में तो चले हमने ये फिल्टर लगाया ना, वहाँ पे फिल्टर आपने नहीं लगाना, वहाँ पे जो कीवर्ड्स आएंगे उन्हीं उन्हीं कीवर्ड्स को आपने एक्सप्लोर करना है, कि जो इररेलीवेंट होंगे उनको डिलीट करते जाना है, जो रेलिवेंट होंगे उनको। वहां पे हम फिल्टर क्यों नहीं लगाते ब्लैक बॉक्स में? ब्लैक बॉक्स में नहीं, जंगल स्काउट में फिल्टर नहीं लगाते, जंगल स्काउट में फिल्टर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपको मैग्नेट और सेरिब्रो दिखा रहा होता है ऑप्शन, वो नहीं दिखाएगा। सो दैट्स वाई वहाँ पे आपने लगाना भी नहीं है ऑप्शन, आपने ऐसे ही उस फाइल को डाउनलोड करके, बल्कि आप फाइल डाउनलोड भी करने का ऑप्शन नहीं आएगा जंगल स्काउट में, आपको
फाइल डाउनलोड नहीं होती वहाँ पे, आपने एक एक करके, तो जिस तरह ये AMG सजेशन एक्सपेंडर से आपने कीवर्ड को कॉपी करना है ना, लेट्स सपोज इसको कॉपी कर लिया, वहाँ पे पेस्ट कर लिया, सेम आपने उधर भी ऐसे करना है, आपने कॉपी करके और एक एक्सेल की फाइल आपने तैयार की होनी है, वहाँ पे आपने ऊपर हेडिंग दे के कि जंगल स्काउट के थ्रू जो कीवर्ड्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं ये वो हैं, और नीचे आपने एक एक कीवर्ड को आपने पेस्ट करते जाना है। सेम AMG सजेशन एक्सपेंडर और JS के थ्रू सेम प्रोसीजर है, बाकी ये मैगनेट के थ्रू और सेरिब्रो के थ्रू जो है ना ये फाइल डाउनलोड हो जाती हैं, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। ठीक है, अच्छा इस तरह से एक अगेन मैं फाइल पे जाते हैं हम, और फाइल में मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने करना क्या है फाइल में। लेट्स सपोज कि एक ही फाइल अभी मैंने डाउनलोड की है, मैंने मैग्नेट वाली फाइल डाउनलोड नहीं की थी, और अभी मैं आपको बता दूंगी उस फाइल को आपने रेडी किस तरह से करना है। लेट्स सपोज कि ये तो हमारी है ना फाइल, ओरिजिनल फाइल है ये हमारी, लेकिन इसको हम जो है ना किस तरह से करेंगे, आपने क्या करना है, जो हमें सिर्फ ये कीवर्ड वाला ये कॉलम चाहिए और सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम चाहिए, और कुछ भी यहाँ से हमें नहीं रिक्वायर। आपने क्या करना है कि कंट्रोल माइनस से आपने इनको रिमूव कर देना है। ठीक है, अच्छा जी कंट्रोल माइनस कीजिएगा, ये ओके हो जाना है, रिमूव हो जाना है कंट्रोल माइनस से। एक सेकेंड, अच्छा ये आएगा ना ऑप्शन, एंटर रो नहीं एंटर कॉलम हम करेंगे ना, तो ये सभी जो है ना रिमूव हो जाएंगे। बाकी ये है कि हमें वो कॉलम भी ऊपर से रिमूव हो गया, मैंने पहले कर लिया ना, तो वो कॉलम भी मैंने रिमूव कर दिया है। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है कि कीवर्ड्स, ठीक है ये कीवर्ड्स है, और ये हमारे पास सर्च वॉल्यूम थे, बाकी अदर देन डैट हमें कोई भी मैम चीज़। कंट्रोल जी कर लें आपका ठीक हो जाएगा, कंट्रोल जी। ओके लेट्स सी, हाँ देखा, अभी अभी आपने क्या करना है कि मैंने वैसे आपको बता दिया ना कंट्रोल माइनस से आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। बताने का मकसद ये है कि हमें सिर्फ कौन सी फाइल चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है, और इसके बाद हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए। अच्छा आपने ये देखिए सर्च वॉल्यूम है ना, सर्च वॉल्यूम में आपने ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकेंड, अच्छा इसमें मैं वैसे आपको गाइड कर देती हूँ, आप ये कर लीजिएगा, टाइम टेकिंग है ये चीज़ें, टाइम जो है ना वो कंज्यूम कर देती हैं। अच्छा ये सर्च, ये कीवर्ड्स तो सिर्फ मेरे पास 9 आए हैं, ये कीवर्ड्स 9 नहीं आएंगे आपके पास, ये कीवर्ड्स आपके पास तकरीबन भी जो है ना लाइक कीवर्ड्स जो हैं वो मल्टीपल आ सकते हैं, 35 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, ऑनवर्ड 60 आ सकते हैं, यानी इतने कीवर्ड्स आपके पास होंगे ना एवरेज के हिसाब से, तो फिर आपकी लिस्टिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, आपने सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड रखना है, बाकी सभी को कंट्रोल माइनस करके रिमूव कर दीजिएगा। और इसमें लेट्स सपोज कि हमने देखना है कोई कीवर्ड डुप्लीकेट तो नहीं हुआ पड़ा, हमने उसको किस तरह से देखना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। डाटा में आप आएंगे, डाटा में आने के बाद आपने क्या करना है कि रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। अब वो बता रहे हैं कि इन सब में से आपने देखना है, तो डेफिनेटली हमारे पास तो सिर्फ दो ही फाइल्स होंगी, आपने उस सेलेक्ट ऑल ही करना है, और उन्हें कह के कोई भी चीज़ जो है वो डुप्लीकेट में नहीं है आपके पास, ठीक है। तो सेम लाइक दैट आपने क्या करना है कि ये सिर्फ सर्च वॉल्यूम और ये चाहिए कीवर्ड। अब आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि ये कीवर्ड की फाइल है ना, और इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, और लेट्स सपोज कि आपने दूसरी फाइल में मर्ज करना है, तो ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है उसको, ठीक है, हेडिंग दे के तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी कि कॉपी पेस्ट आपने एक ही फाइल में तमाम फाइल्स को एक ही फाइल में मर्ज इस तरह से करना है।
मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेरिब्रो की फाइल थी और मैं सेरिब्रो की फाइल को किसी दूसरी फाइल में मर्ज कैसे करूँगी, जस्ट कॉपी पेस्ट करना आपने और सामने इस दूसरे कॉलम में आपने इसके सर्च वॉल्यूम को कॉपी कर पेस्ट कर देना है। सो सेम आपने फाइल किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है जिस तरह ये फाइल ऑर्गेनाइज है, ये वाली फाइल। हमने क्या करना है कि इसको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपने क्या करना है, हीलियम 10 और मैग्नेट, नीचे आप मैग्नेट भी ऐड कर दीजिएगा, फिर हीलियम, हीलियम 10, सेरिब्रो, ठीक है, सेरिब्रो मैंने ऐड नहीं किया हुआ। फिर आपने क्या करना है, जंगल स्काउट, और जंगल स्काउट किस तरह से फाइल और सर्च कीवर्ड्स और सर्च वाली है, एंड AMZ सुजेशन एक्सपेंडर की भी आपने कीवर्ड्स को, तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देना है। बताने का मकसद ये है कि इस तरह से प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल बनानी है। मैंने कीवर्ड्स 26 ऐड किए हैं, ये डिपेंड करता है आप पर कि मे भी कीवर्ड्स आपके ज़्यादा हों। डेफिनेटली ये देखें सिर्फ 26 इसके हैं और 28 तक इसके हैं, बाकी ये भी ऐड किए हुए हैं। अभी मैंने मैग्नेट और सेरिब्रो डिफ्रेंसीशन नहीं किया हुआ, वो ऐड करके आपके तकरीबन भी ये 100 से प्लस जो है ना कीवर्ड्स आपके आ जाएंगे सभी फाइल्स को करके। तो उन उन कीवर्ड्स को हमने लिस्टिंग में ऐड कैसे करना है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट वे से। हमने सेरिब्रो, एक होता है टूल, सब टूल, ये स्क्रिबल, हीलियम 10 में स्क्रिबल में जाके ना हमने, तो किस तरह से इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में स्क्रिबल एक सब टूल है, तो हमने जो है ना लिस्टिंग क्रिएट किस तरह से करनी होती है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। कल बल्कि नहीं, ये जो अगले वीकेंड की क्लास है, अभी तक आपका जो असाइनमेंट होगी ना वो ये होगी कि लिस्टिंग तो नहीं क्रिएट करने के लिए दे रही, जो सोर्स आपने लेक्चर पढ़े हैं ना, आप में से किसी का ना माइक ऑन है, चेक करें किसका माइक ऑन है। अच्छा, आपने क्या करके आना है, अगले मंथ, अगले वीकेंड पे आपने करना क्या है, जो हमने सोर्सिंग का जो मैंने टास्क आपको असाइन किया था ना, वो आपने करके मुझे सबमिट करवाना है। उसका ये था कि आपने सप्लायर से कोई अच्छी सी प्राइस लेनी है, डिपेंड करता है जो जिस मर्जी कीवर्ड पे आप उनसे बार्गेनिंग करें, बट ये है कि आपने फिर मुझे बताना है कि इस पर आपने प्राइस क्या ली है। कीवर्ड आपने ज़्यादा प्राइस वाला नहीं उठाना, लेट्स सी कि उसकी प्राइस अमेज़ॉन पे जो क्राइटेरिया को मीट कर रही है ना वो होनी चाहिए। ये ना हो कि $45 की प्रोडक्ट है तो उस पर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वो कितनी का आप लेंगे। रेकमेंड यही है कि जितनी 16 या 14 से लेके ना तो 20 के दरमियान जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना वो एवरेज के हिसाब से अच्छी प्रोडक्ट होती है। तो आपने उस प्रोडक्ट प्राइस वाली प्रोडक्ट को, कोई भी कीवर्ड लेके उन सेलर से आपने बार्गेनिंग करनी है, उनसे नेगोशिएशन करनी है, उन उनसे प्राइस अच्छी सी लेनी है और वो आपने मुझे सबमिट करवानी है। ये आपकी सोर्सिंग की है, इसके अलावा ये कीवर्ड रिसर्च की फाइल भी आपने मुझे सबमिट करवानी है, क्योंकि पूरा वीक, कंप्लीट वीक है आपके पास। ये जब आपका ओके हो जाएगी ना तो देन हम लिस्टिंग को, ये स्क्रिबल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हम किस तरह से क्रिएट करते हैं ये इंशाल्लाह कल नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में देखेंगे। राइट नाउ जस्ट आज का टॉपिक यही था, ये कंटेंट राइटिंग को अब स्क्रिबल के थ्रू किस तरह क्रिएट करते हैं, अगली क्लास में ये हमारा कंटेंट राइटिंग का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक के लाइक लेक्चर में कोई भी आपको कन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें। जी एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो, जी जी जी, अब आवाज़ आ रही है वकास आपकी। अच्छा मैम, आपने जो जंगल स्काउट का वो बताया था कीवर्ड सर्च के लिए, वो उसकी एक्सटेंशन यूज करनी है या वेब करनी है? जंगल स्काउट के एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन वेब सिर्फ हमें कीवर्ड रिसर्च के लिए चाहिए होती है। मैं तो वैसे यही रेकमेंड करूँगी कि लेट्स सपोज अगर आपको कीवर्ड, ये वेब नहीं आपने बाय की, तो आप ऐसे करें कि आप किसी से एक दिन के लिए आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये वैसे ये इतनी ज़्यादा नहीं, जब आप इन एक्चुअल वर्किंग कर रहे होंगे ना तब आप बाय कर लीजिएगा। अगर अभी आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो वो आप मुझे हीलियम 10 के स्क्रिबल, हीलियम 10 के मैग्नेट और सेरिब्रो, और इसके अलावा AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये तीन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हुए फाइल सबमिट करवानी है, मैं आपको चेक करके बता दूँगी। मैम एक और चीज है कि जो आपने लिस्टिंग का बताया कि या डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें हैं लिखनी या क्या करना है, उसमें आई थिंक कुछ चीजें मिसिंग है।
कौन सी चीज जैसे कि में? ग्राफिक डिस्क्रिप्शन में या लिस्टिंग में जो हमने बुलेट पॉइंट्स और टाइटल्स और इस तरीके की चीजें लिखनी है, उसमें से जो वेब एक वेब होती है ग्राफिक इन्फो, यानी कि हमने पिक्चर के लिए उसकी थोड़ी सी वजाहत करनी होती है कि ये कैसे यूज होगी और यूज होने में कैसी दिखेगी। वो जब हम ये क्रिएट करना दिखाएंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक राइट नाउ हमने ठीक जैसे देखा ठीक ओवर। हो गया ठीक हो गया। थैंक और किसी का क्वेश्चन? अच्छा ये जो मैं प्रैक्टिकल वे से आपको टास्क असाइन कर रही हूँ ना, ये आप जरूर करें। अगर साथ साथ नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपने कहाँ करने हैं। तो देखिए जो एक्टिव स्टूडेंट्स थ्रू आउट सेशन रहते हैं ना, कामयाब भी वही होते हैं। मैं आपको ओपनली बात बताऊंगी, मेरे जो बैच 3 के स्टूडेंट्स हैं राइट ना, उनकी स्टोरी भी शेयर की है पोर्टल पे। वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव थे। मैं जो असाइनमेंट असाइन करती थी वो करके सबमिट करवाते थे। इवन दो जो असाइनमेंट्स आप खुद मुझे सबमिट करवाते हैं ना, वो आपने डिफरेंट। ये माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ करें, माइक से ना इरिटेशन हो रही है, माइक ऑफ कर लें। अच्छा इस तरह है कि आपने करना क्या है कि ये जो असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट करवाते हैं ना, ये हाईली रिकमेंड आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी लगाया करें। देखिए मुझे सबमिट करवाने का फ़ायदा कोई, चले फ़ायदा तो ये एटलीस्ट मैं आपकी मिस्टेक्स वगैरह देख लेती हूँ और वो इम्प्रूव करवा देती हूँ, लेकिन आपने डिफरेंट ग्रुप्स में लगानी होती हैं। और मेजोरिटी मेजोरिटी अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि हमेशा याद रखिए, क्लाइंट्स उनको मिलते हैं जो विजिबिलिटी दिखाते हैं। विजिबिलिटी सिर्फ यही नहीं होती आप कमेंटिंग करते रहें आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, नहीं, आप जो टास्क डिजाइन कर रहे हैं वो सबमिट करवाएं। मेरे 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई, उनको वीडियोस पे जो है ना क्लाइंट्स ने अप्रोच किया। तो क्लाइंट कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्टिविटी शो कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएं तो डेफिनेटली आप क्लाइंट ग्रैब इजीली कर सकते हैं। तो बाकी है कि ये चीज़ें जो है ना, ये कोई भी साथ साथ गाइड नहीं करता, जस्ट रिस्पॉन्सिबल होती हैं जी। ट्रेनिंग हमने करवानी है थ्रू आउट सेशन, बस इनफ। बट मेरा ये पॉइंट होता है कि मैं आपको ये करती रहती हूँ, ओपन वे से मैं बताती रहती हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं या फिर हमने जो जहाँ तक ऑब्जर्व किया अपने बाकी स्टूडेंट्स को, मैं ऑब्जर्व करती हूँ फिर मैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही होती हूँ कि उनको क्लाइंट्स कैसे मिले, वो क्यों सक्सेसफुल हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो करें आप रिगार्डिंग दिस आज के लेक्चर में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अच्छा मैम, एक 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 और क्वेश्चन है, लेकिन वो इस लेक्चर के रिगार्डिंग है कि जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, ये आवाज आ रही है, जी, आवाज आ रही है आपकी। तो वहां पे ना जब हम को कीवर्ड लिख लेते हैं, कीवर्ड लिखने के बाद जो नीचे रिजल्ट आता है वहां पे लिखा होता है कि यहाँ इतने से रिजल्ट बैठे हुए, 2,000 है, 4,000 है, 5,000 है, तो उसके नीचे ना एक प्राइस वाली कॉलम होता है कि आप उसमें प्राइस लिख लें, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी है। तो क्या हम वो लिखकर उसको कर सकते हैं हम चीज वर्क? क्योंकि नहीं, आप प्राइस नहीं कर सकते। हमें तो प्राइस ऑर्गेनिक चाहिए होगा ना, कि हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, कितने सेलर बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हमें वो देखना होगा सारा क्राइटेरिया वगैरह। एग्जैक्टली, लेकिन लेकिन आप फिल्टर नहीं लगा सकते, रूल नहीं है तो जी, फिल्टर यस। आप नहीं लगा सकते। असल में ना कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया हुआ है, तो वो मैंने भी उनसे पूछ के ये ट्रिक यूज की थी, लेकिन बाद में मेरे माइंड में आया कि ठीक है हम इस तरह कर तो लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक तो ये नहीं है ना। तो जब हम इसको करेंगे, इसकी क्या कहते हैं, ईपीसी चलाएंगे या इसको घी भेज देंगे, तो हमारे भी कंपटीटर बहुत ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली, ये चीज़ के ऑर्गेनिक हमने देखने होते हैं, ये हमने बिल्कुल भी फिल्टर तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी एंगल से लगाएं। ओके थैंक यू मैम, ये बस यही। मैम मेरा क्वेश्चन है सामको मैम। जी वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी मैम, मैंने क्वेश्चन करना था आपसे कि आपने कहा ना कि मतलब कि जो आप मुझे सबमिट करवाते हैं पोस्ट, वो फाइल वगैरह वो आप उधर ग्रुप्स में भी शेयर किया करें। तो हमारी तो मतलब मैम जो होती हैं प्रोडक्ट जो हमने हंट की होती है, इसमें तो कुछ क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो
इस तरह तो हम लोग ग्रुप्स में लगाएंगे तो हमारा ही मजाक उड़ेगा वैसे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका भी, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। इवन दो के ये अभी भी मुझे फाइंड आउट करते, वैसे सक्सेस स्टोरी फाइंड आउट करते मुझे टाइम लग जाना है। नेबलर के एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी भी आई थी एक टाइम पे, कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट लगाई है, वो मैच भी नहीं कर रही थी क्राइटेरिया से, लेकिन फिर भी उनको क्लाइंट्स जो है वो ग्रैबिंग हो गई। तो ये मैं बता रही हूँ कि आपने करना क्यों है, क्योंकि ऐसे आपकी विजिबिलिटी बनती है डिफरेंट ग्रुप्स में। ऐसे किसी को भी आइडिया नहीं होगा आप वी हैं, आपको हायर कर दिया जाता है। इवन दो कि क्लाइंट्स को आइडिया होता है कि ये वर्किंग तो कर रहा है ना और एक्टिव है ग्रुप में, तो इट्स मीन कि ये वो फिर आपको जज करेंगे कि आप उनके लिए वर्किंग किस टाइप की करेंगे, किस तरह आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल कर उतरते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि जस्ट आपने विजिबिलिटी दिखानी होती है, एटलीस्ट आपके अगर 6 से 7 या 8 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं ना, तो आप उसको ग्रुप में ज़रूर लगाएं। तो ये चीज़ होती है। इवन दो कि आप बाकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी ग्रुप्स में लगाएं। मैं मुझे अभी एक क्वेश्चन आया था मैम, कंपेटिटर एनालिसिस की फाइल किस तरह से मैं लगाऊं ग्रुप में, तो आपने करना क्या था, कंपेटिटर एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपने ऊपर राइट करना था डिस्क्रिप्शन में, और नीचे आपने कंपेटिटर एनालिसिस की फाइल अटैच कर देनी थी। उसका फ़ायदा आपको ये होना था कि डेफिनेटली आपकी जो है ना वो विजिबिलिटी बन जानी थी कि बंदा वर्किंग कर रहा है या एक्टिव है ग्रुप में। मैं अपनी अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो स्टार्टिंग पे मुझे ये चीज़ें यकीन, ट्रस्ट मी कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल किसी ने नहीं गाइड की, मुझे कुछ किसी ने, इवन दो मैं अनएबलर की स्टूडेंट रही हूँ, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ट्रेनर आते थे पढ़ा के जस्ट जाते थे, इतना होता था। हमें बिल्कुल इवन हमें आइडिया ही नहीं था क्लाइंट कैसे ग्रैब होंगे, और फिर ये चीज़ें एक्सप्लोर की और बड़ी हार्डवर्किंग वे से चीज़ें एक्सप्लोर की, तो फिर पता चला कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होंगी, तो फिर हम जो है ना वो अच्छे तरीके से इस मार्केट में इन हो सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टूडेंट्स जो बैक पे माशाल्लाह से सक्सेसफुल मोड पे हैं, उनके एक्सपीरियंस बार बार शेयर कर रही होती हूँ कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि हमने इस मार्केट में कैसे इन होना है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है, जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कोई बिल्कुल भी नहीं हर्ज होगा, आपको जो है ना वो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे, डेफिनेटली क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आप गिव अप करेंगे, और मेजोरिटी रेशियो जो है ना स्टूडेंट्स की गिव अप करने वाली होती है। क्यों? प्रोडक्ट हंटिंग से। मैं हमेशा कहती हूँ लेट सी के प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट हो रही, आप गिव अप नहीं करें, आप उसको आउटसोर्स करवा लें। आप आउटसोर्स इस तरह से करवाएं कि लेट सपोज कि आप किसी से, क्लाइंट से $200 पकड़ें, 120 या 150 की आप किसी से परचेज करें, ऊपर वाले आप अपने पास रखें पैसे, क्लाइंट भी आपके पास परमानेंट वे से चलेगा, और आपके पास आपको आउटसोर्सिंग से आपको फ़ायदा भी हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने कभी भी ये चीज़ों को ना वो नहीं करना, इवन दो कि नहीं हंट हो रही आप आउटसोर्स करवा लें, सिंपल। लोग और लोग आउटसोर्सिंग से बड़ा पैसा जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अर्निंग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग से। लाइक क्लाइंट पकड़ते हैं और वो सर्विस किसी को देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई ईबे का क्लाइंट आया, आपको वर्किंग नहीं ना आती, आप ईबे का क्लाइंट को क्या करें कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर करें, ईबे का क्लाइंट उसको रेफर करें, उससे 30 या 50 जितनी भी रेशियो बनती है क्लाइंट की आप उनसे ले लें। तो लोग इस तरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये आप किया करें, ऐसे डेफिनेटली आप गिव अप कर देंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आपने ज्वाइनिंग की है तो आप इसको फिर आगे मजीद लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये था कि जब हम सप्लायर से करेंगे निगोसिएशन करेंगे, तो वो निगोसिएशन के लिए हमारे पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे प्रोडक्ट के लिए, मतलब वो सारी उन चीज़ों पे बात करेगा, वो हमसे वो मांगेगा, और उस पे ये हमने मतलब स्काइप पे करनी है, चैटिंग के थ्रू करनी है, जो प्राइस बारगेनिंग है, ये सारी चीज़ें करने के, जब वो बाकी चीज़ें हमसे डिमांड करेगा या वो बात करेगा, तो उसमें फिर हम उसको क्या आंसर करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ फाइल बनाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ना। देखिए वो रिक्वायरमेंट आपसे क्या करेगा, उसने जस्ट आपसे पूछना है कि आपके एमओ, आपने बल्कि उनसे पूछना है कि MOQ कितने दे रहा है वो, या फिर वो क्या प्राइस दे रहा है आपको। आपसे रिक्वायरमेंट जस्ट वो आपके कंपेटिटर की करेगा, वो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं करेगा, वो कंपेटिटर की करेगा कि कंपेटिटर बताएं, इमेजेस वगैरह बताएं,
उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने MOQ क्या देने हैं, मैंने प्राइस क्या देनी है। सप्लायर जो है ना वो आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं करते, आप उनसे सैंपल या आप उनसे इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट करते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट जस्ट कंपेटिटर एनालिसिस तक होती है। सही, मतलब कि जब हमने उनको किसी चीज के लिए डिमांड करनी है कि ये हमें बना के दें, तो फिर उसने हमसे जो जो चीजें पूछनी है कि किस तरह की चीज आपको चाहिए या क्या, तो वो ये सारी चीजें हमें मतलब लाइव कॉल पे बात करनी है, चैट पे बात करनी है। वो आपने अलीबाबा के अकाउंट में होता है ना कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन, ठीक है, वहां पे जाके हमने उनसे बात करनी है, या फिर वो समटाइम आपको व्हाट्सएप नंबर वी चैट पे आ जाते हैं, वी चैट पे बड़े एक्टिव रहते हैं, आप वी चैट पे भी उनसे कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, या फिर आप ज़्यादा मेजोरिटी आवाम जो है ना वो उधर ही करती है, अलीबाबा के अकाउंट में जो सप्लायर के पास ही लिखा होता है ना कॉन्टेक्ट अस, वहाँ पे जाके करते हैं बातचीत। और ये प्लीज रिपीट कीजिएगा, MOQ क्या है? ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि सप्लायर आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी प्रोवाइड करेगा, इन्वेंट्री कितनी देगा। लेट्स सपोज कि मिनिमम ऑर्डर, हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या मतलब बतानी चाहिए? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो आजकल सप्लायर 500 से नीचे तो आते ही नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पे जो है ना वो 2 से 3 मंथ पहले वो 200 क्वांटिटी भी हमें दे देते थे, और रेकमेंड यही थी कि 200 क्वांटिटी हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल रहती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि आपने MOQ थोड़े पीस से आपने स्टार्ट करना है, आपने कहना है 200 पीस, नो डाउट कि ये मैंने बिजनेस एक्सपैंड लेवल पे लेके जाना है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं आपसे 200 प्रोडक्ट की प्राइस पूछता हूँ कि आप कितनी देंगे, वो फिर बताएंगे आपको कि 200 हम नहीं देंगे। कुछ सप्लायर तो दे देते हैं प्राइस, लेकिन कुछ सप्लायर नहीं मानेंगे, वो कहेंगे 500 से हम या 1000 MOQ से स्टार्ट करेंगे, हमने 200 पे नहीं स्टार्ट करना। तो वो जो भी फिर होगी आपकी बात, डेफिनेटली बात से बात चलती है ना, वो फिर आपको खुद आइडिया हो जाता है कि हमने किस तरह इनको लेके आना है बातों में। मैंने बाकी जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं, उनको ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो मैम वो कंपेटिटर एनालिसिस करने पूछेंगे तो हम देंगे। कंपेटिटर एनालिसिस की आपने फाइल तैयार की होनी है, वही फाइल आपने उनको सबमिट करवा देनी है। अच्छा, इस तरह से कि ये अगेन रिपीट कर दूं, आपका असाइनमेंट जो है ना वो यही है, आपने अच्छी सी प्राइस लेके देनी है मुझे सप्लायर से, और साथ ही है कि ये जो आज पढ़ा है कीवर्ड रिसर्च, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने तो रफली बनाई है ना, मैंने तो आपको ऑर्गेनाइज भी जल्दी में नहीं करना सिखाई, मैंने जस्ट आपको बता दिया कंट्रोल माइनस कीजिएगा, बाकी कॉलम रिमूव, और जो कॉलम रिक्वायर्ड है सिर्फ वो कीवर्ड रिसर्च का, कीवर्ड्स का और सर्च वॉल्यूम का है, बाकी आपने इसको टाइम टेकिंग है, इसको करना है आपने, और ये फाइल आपने मुझे सबमिट करवानी है। जंगल स्काउट की वेब की टेंशन ना लीजिएगा, वो बेशक ऐड ना कीजिएगा, वो जब टाइम आएगा अल्लाह करे जब आपके पास वर्किंग आए फिर तो आप इजीली करेंगे, तो इसका बिल्कुल भी इशू नहीं है। ये हीलियम 10 के थ्रू और AMZ सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू ये आप फाइल तैयार करके तो अगले वीकेंड से पहले पहले मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कॉन्टेंट राइटिंग हम क्रिएट किस तरह करते हैं स्क्रिबल के थ्रू वो देखेंगे। मैम एक चीज थी कि अगर आप ये जो हमें असाइनमेंट असाइन करती हैं, ये आप कोटेशनल फॉर्म में, स्टेटमेंटल फॉर्म में अगर ग्रुप में मैसेज कर दिया करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये समटाइम्स मिस हो जाती हैं, भूल जाती हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको भी कर दूंगी, और इम्पोर्टेंट जो फाइल्स